कम बैक टू आर चैनल विद्यम एकेडमी। तो हम जो है हमने पहला चैप्टर क्या कराया था, यूजफुल एंड हार्मफुल माइक्रोब्स। तो अगला चैप्टर जो हम आज स्टार्ट कर रहे हैं वो है हेरिडिटी एंड वेरिएशन चैप्टर, जो कि क्लास 9th का है। तो यहाँ पे पढ़ाने से पहले हम देखेंगे चैप्टर का मतलब, यानी वो कहना क्या चाहता है। चैप्टर का जो नाम है हेरिडिटी एंड वेरिएशन, का मतलब क्या है। तो हेरिडिटी का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कैरेक्टर्स, जो कैरेक्टर्स होते हैं, जैसे कि आपके पेरेंट्स के अंदर किसी के कलर्ड आइज हुए या बॉडी शेप, ये सारी चीज़ें जो है वो कैरेक्टर्स होते हैं, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस। तो जब कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है पेरेंट्स से, हमारे पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में जाता है, तो उसे हम जो है वो हेरिडिटी कहते हैं। और वेरिएशंस क्या होते हैं, वेरिएशंस का मतलब होता है डिफरेंसेस, यानी फ़र्क। इंडिविजुअल के डीएनए में जब वेरिएशंस यानी डिफरेंसेस हो जाते हैं तो चेंज हो जाता है। अब वेरिएशंस के आप बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हैं, म्यूटेशन, और ये जो है वो वेरिएशंस का एग्जांपल है। और आपने देखा होगा हर जो स्पीशीज है इस नेचर में, वो सब जो है वो वेरिएशन कॉज करता है। तो इस चैप्टर हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के अंदर हम देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो कि वेरिएशन कॉज करते हैं। ओके, तो हमने देखा हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का मतलब। अब एक क्वेश्चन अराइज करता है आपकी टेक्स्ट बुक में, जो कि है डू ऑल दी बॉयज़ एंड गर्ल्स ऑफ योर क्लास लुक अलाइक। आपकी क्लास में, आप जो क्लास 9th में हैं, तो बहुत सारे क्लास में बच्चे होंगे गर्ल्स एंड बॉयज़ होते हैं, क्या सारे लोग एक जैसे दिखते हैं? नहीं, कुछ लोग की हाइट ऐसी है, मतलब छोटी है, किसी की हाइट बड़ी है, किसी की नाक, आँखों का कलर अलग है, बाल अलग है, किसी की स्ट्रेट है, किसी की कर्ली है, किसी की वेवी है, और फेसेस में भी कोई मतलब फेयर स्किन है, किसी की डार्क स्किन है, ऐसे बहुत सारे मतलब जो चीज़ है वो होती है। तो अभी हम देखेंगे कि ये जो चीज़ें हैं, मतलब ये फिजिकल अपीयरेंस क्यों सबका अलग अलग होता है, ठीक है, इसके बारे में स्टडी करने से पहले हम देखेंगे यहाँ पे इनहेरिटेंस। अब इसका जवाब आपको जो है कि गर्ल्स एंड बॉयज़ जो है वो एक जैसे क्यों नहीं दिखते हर कोई, इसका जवाब आपको इनहेरिटेंस से मिलेगा। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है, ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट एंड जीन इन पर्टिकुलर इज कॉल्ड जेनेटिक्स। आपने हेरिडिटी का मतलब मैंने आपको क्या बताई थी कि कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। तो वहाँ पे क्या होता है, आपने देखा होगा जो पपीज़ होते हैं वो डॉग से सिमिलर होते हैं, और जो स्क्वैब्स होते हैं वो पिजन से, जो हमारी कबूतर होती हैं उनके जो छोटे छोटे यंग वंस होते हैं वो उनसे सिमिलर होते हैं, और जो इन्फेंट्स होते हैं, ह्यूमन के जो इन्फेंट्स होते हैं, वो अपने पेरेंट्स यानी ह्यूमन से सिमिलर होते हैं। तो वो तो हेरिडिटी था। अब इनहेरिटेंस क्या, इनहेरिटेंस क्या कहता है कि कैरेक्टर्स का, जो कैरेक्टर्स होते हैं उसका ट्रांसफर एक जनरेशन से, फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट, मतलब जो है वो जनरेशन होता है। तो हेरिडिटी अगर कोई बोलेगा तो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है कैरेक्टर्स, और इनहेरिटेंस जो है हमारा, यहाँ पे कैरेक्टर्स जनरेशन टू जनरेशन जाते हैं, यानी कि अब कैरेक्टर्स कैसे, कुछ अच्छे कैरेक्टर्स भी जाते हैं, कभी कभी डिजीज़ भी ट्रांसफ़र हो जाती है। अगर आपके मतलब जो एंसेस्टर हैं, अगर आपके दादाजी हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, जैसे उन्हें अगर डायबिटीज़ है या कैंसर की जीन्स है उनके अंदर, या कोई भी फिजिकल अपीयरेंस, या उनके बहुत सारे ट्रेट्स आपके अंदर जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे, क्योंकि वो इनहेरिटेंस है, आप उनसे इनहेरिट करेंगे, उसका मतलब वो है। अब हम देखेंगे, हमने इनहेरिटेंस देख लिया, अब देखेंगे न्यू प्रोजेनी। जो न्यू प्रोजेनी, प्रोजेनी का मतलब क्या होता है, ऑफस्प्रिंग। जो न्यू प्रोजेनी होती है वो कैसे प्रोड्यूस होती है, रिप्रोडक्शन के थ्रू। जब ये समझ लो ये हमारा मेल है, ये हमारी फीमेल है, जब ये फ्यूज़ होते हैं, मतलब जब रिप्रोडक्शन होता है इनके बीच में, तो क्या होता है, न्यू प्रोजेनी जो है वो फॉर्म होती है, यानी प्रोजेनी का मतलब क्या होगा, ऑफस्प्रिंग। कोई नई चीज़ जो है, कोई नई जान जो है वो पैदा होती है, मतलब बॉर्न होती है। तो मेल एंड फीमेल गैमेट जब फ्यूज़ होंगे, रिप्रोडक्शन होगा, उसके बाद क्या होगा, न्यू ऑफस्प्रिंग यानी कि प्रोजेनी प्रोड्यूस होगी। अब हम देखेंगे वेरिएशंस के बारे में, हमने बताया था आपको वेरिएशंस क्या होते हैं, डिफरेंसेस होते हैं इंडिविजुअल्स के, इंडिविजुअल हर एक इंसान के डीएनए में जब वेरिएशंस हो जाता है, तो मतलब डिफरेंसेस हो जाता है, तो उसे हम जो है वो वेरिएशंस कहते हैं। यहाँ पे हम देखेंगे कि माइनर वेरिएशंस एंड मेजर वेरिएशंस क्या होता है। मेल एंड फीमेल ने रिप्रोडक्शन किया, ऑफस्प्रिंग न्यू प्रोड्यूस हुई, उसके बाद माइनर वेरिएशंस कौन शो करता है, कम डिफरेंसेस, कम फ़र्क कौन शो करता है, कम फ़र्क जो है वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या करता है, माइनर वेरिएशन शो करता है, वहीं पे जो हमारा मेजर वेरिएशन है ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करता है। वेरिएशंस आपने देखो, हर स्पीशीज इस नेचर में, जितनी भी स्पीशीज है, सब जो है वो वेरिएशन शो करते हैं। और अगर हम वेरिएशंस करें, वेरिएशन शो करते हैं, तो इवोल्यूशन होता है, उसे वेरिएशन शो करना भी ज़रूरी है, वही चीज़ें रिपीट रिपीट होना ज़रूरी नहीं है, इवोल्यूशन के लिए वेरिएशन नेसेसरी है। तो हमने क्या देखा, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, माइनर वेरिएशन,
और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेजर वेरिएशन, हमने हेरिडिटी एंड वेरिएशंस का मतलब देखा, इनहेरिटेंस का मतलब देखा। हेरिडिटी एंड वेरिएशन सेम नहीं है, दोनों अलग है। हेरिडिटी के अंदर पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाता है, कैरेक्टर्स जो है वो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग जाएंगे, और इनहेरिटेंस के अंदर जनरेशन टू जनरेशन पास होंगे। अब हेरिडिटी के अंदर कौन कौन से कैरेक्टर्स जा सकते हैं पेरेंट्स के, जैसे कि हेयर का कलर, आइज का कलर, ये सारी चीज़ें, और इनहेरिटेंस में डिजीज़ या बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो जा सकती हैं। ओके, तो हेरिडिटी एंड वेरिएशंस के अंदर हम एक और क्वेश्चन देखेंगे जो कि है हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेट्स, ट्रेट्स का मतलब कैरेक्टर होता है, और कैरेक्टरिस्टिक्स अपेयर इन ऑर्गेनिजम्स, ऑर्गेनिजम्स के अंदर कैसे स्पेसिफिक कैरेक्टर जो है वो अकर करता है। तो हमने जो है वो इस चैप्टर में हेरिडिटी का मतलब देखा, वेरिएशंस देखे, इनहेरिटेंस देखे। ये तीनों टर्म्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन सबका डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस में आप कन्फ्यूज हो सकते हो। हेरिडिटी क्या होता है, पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होता है, वहीं पर इनहेरिटेंस में जनरेशन टू जनरेशन जाता है। अब इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, हाँ, कि स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टर्स ऑर्गेनिज्म में कैसे अपेयर होता है। अब आपने देखा होगा पेरेंट्स के अंदर सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ आपको दोनों मिलेगी, मतलब पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर कुछ चीज़ें बहुत सिमिलर रहती हैं, कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ही डिसिमिलर हो जाती हैं। तो ये सिमिलैरिटीज़ और डिसिमिलैरिटीज़ पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर, ये किसका इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का इफेक्ट होता है। उसके बाद हम देखेंगे यहाँ पे एक और क्वेश्चन, मतलब अब हम स्टार्ट करेंगे इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। ओके, तो हम क्या देख रहे हैं, हाउ डू स्पेसिफिक ट्रेट्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑर्गेनिज्म में कैसे अपियर करते हैं। ट्रेट्स का मतलब क्या होगा, कैरेक्टर्स होगा। तो अब पेरेंट्स एंड ऑफस्प्रिंग के अंदर आपको सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ देखने को बहुत मिलेगी। कभी कभी कुछ पेरेंट्स और ऑफस्प्रिंग जो रहता है उनका चार्ट, दोनों में बहुत सिमिलैरिटीज़ रहती हैं, कभी कभी एकदम डिसिमिलर रहते हैं। तो सिमिलैरिटीज़ एंड डिसिमिलैरिटीज़ किसका इफेक्ट होता है, हेरिडिटी का इफेक्ट होता है, जो कि हमारे चैप्टर का नाम ही है, जिसका मतलब क्या है, कैरेक्टर्स का ट्रांसफर होना पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। उसके बाद एक क्वेश्चन है यहाँ पे, इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन नहीं, मतलब हम ये टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन नेसेसरी फॉर प्रोटीन सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है, बनाना, कोई चीज़ जो है वो बन रही है, सिंथेसाइज हो रही है। तो प्रोटीन का सिंथेसिस जो है वो कैसे होता है, ये हम देखेंगे। तो इसकी जो मतलब प्रोटीन सिंथेसिस की जो इन्फॉर्मेशन होती है वो कहाँ स्टोर होती है, डीएनए के अंदर। सेल का जो हमारा डीएनए होता है उसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन जो है वो स्टोर होती है। अब डीएनए कैसा, तो डीएनए का जो है वो एक सेगमेंट होता है। डीएनए का क्या होता है, एक सेगमेंट होता है, सेगमेंट ऑफ डीएनए। हमारे डीएनए का फुल फॉर्म क्या है, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो इसका जो एक सेगमेंट होता है, डीएनए का एक सेगमेंट होता है जो कि सारे इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करता है, सारे इन्फॉर्मेशन मतलब प्रोटीन सिंथेसिस के लेके जो भी इन्फॉर्मेशन सारी जो रहती है, डीएनए का जो सेगमेंट होता है जो कि सारी चीज़ें मतलब कंटेन करता है, कंट्रोल करता है उसका, उसे हम सेगमेंट, डीएनए के सेगमेंट को क्या कहते हैं, जीन कहते हैं। क्या होता है, वो जीन होता है जो कि कंट्रोल करता है प्रोटीन सिंथेसिस की इन्फॉर्मेशन या और कोई भी इन्फॉर्मेशन जो डीएनए कंटेन करता है। डीएनए बहुत सारा इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, तो वो जो है वो हमारा जीन कंट्रोल करता है। तो अब हम देखेंगे प्रोटीन्स की कैरेक्टरिस्टिक्स जो होती है उसका रिलेशनशिप ऑर्गेनिजम्स के साथ कैसा है। तो अब हम यहाँ पे, अगर हमको अंडरस्टैंड करना है हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट, टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ हेरिडिटी, हम यहाँ पे एक एग्जांपल लेंगे जो कि है प्लांट की हाइट का कैरेक्टरिस्टिक्स लेना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ प्लांट हाइट, हम प्लांट की हाइट का एग्जांपल लेंगे और उस हिसाब से समझेंगे कि हेरिडिटी का कॉन्सेप्ट जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे है कि जो प्लांट की हाइट होती है ना, वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन पे। आपको पता होगा ह्यूमंस हो चाहे प्लांट हो, बॉटनी या जूलॉजी, कोई ह्यूमंस हो या प्लांट हो, सबकी हाइट जो है वो ग्रोथ वाले हार्मोन्स पे डिपेंड करती है। तो जो हाइट को इंक्रीज करता है वो हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। तो वैसे ही प्लांट की हाइट जो है वो ग्रोथ हार्मोन पे डिपेंड करती है। अगर आपकी प्लांट की हाइट जो है वो इंक्रीज होती है तो वो डिपेंड करती है ग्रोथ हार्मोन की क्वांटिटी पे, कि उसका क्वांटिटी जो है वो कितना है। और उसके बाद ग्रोथ हार्मोन जो है वो डिपेंड करता है एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम, ऐसे सब जो है यहाँ पे डिपेंड ही कर रहे हैं। आपकी प्लांट की जो हाइट है वो किस पे डिपेंड करती है, ग्रोथ हार्मोन पे। ग्रोथ हार्मोन मतलब क्वांटिटी पे डिपेंड करता है और एंजाइम्स की एफिशिएंसी पे जो है वो डिपेंड करता है। अब हम यहाँ पे देखेंगे, ये चार्ट देख के लग रहा है कि हाँ, यहाँ पे एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हमको इसका एडवांटेज और इसका रोल जो है वो समझना है। तो अभी हम देखेंगे कि एंजाइम की एफिशिएंसी जो है वो क्या है। ओके, तो हम जो है वो हम जो है वो क्या देख रहे हैं, एडवांटेज देख रहे हैं एफिशिएंट एंजाइम्स का। एंजाइम्स क्या होते हैं, बायोलॉजिकल सीजर्स होते हैं, आपको पता है, कोई भी रिएक्शंस को जो है वो कैटलाइज करके मतलब फास्ट कर देते हैं। तब एफिशिएंट एंजाइम्स क्या करते हैं, ज़्यादा क्वांटिटी में ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं, जिस वजह से हमारी प्लांट की हाइट जो है वो इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। अगर हम इसका उल्टा करें, अगर हमारा एफिशिएंट एंजाइम कम हो, लेस हो, तो प्लांट जो है वो मतलब प्रोड्यूस क्या करेगा, कम क्वांटिटी में हार्मोन्स,
और हमारे प्लांट की हाइट कैसी होगी, स्टंटेड होगी यानी छोटी सी होगी। तो और एक और बात, जो हमारे जीन्स होते हैं, जो हमने वहाँ पे देखा था कि डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन कंटेन करता है, जो कि जीन क्या होता है, डीएनए का सेगमेंट होता है, तो वो हेरिडिटी कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टोर करके रखता है। तो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट लेक्चर में हम जो है वो क्रोमोसोम स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल विद्यम एकेडमी।